If you love someone more than that person deserves, that person will hurt you more than you deserve. किस किस को समझ आया है? अगर आप किसी को चाहेंगे जितना कि वो उससे ज्यादा चाहेंगे जितना वो डिजर्व करता है, वो आपको उतना दुख देगा जितना आप डिजर्व नहीं करते. और अक्सर ऐसा होता भी है. आपने किसी संसारिक व्यक्ति को जो है अपना हृदय दे दिया आपने, वो तो जी मुझे बहुत प्यारे हैं. उसके बाद देखो, जैसे माता पिता कहीं संतान से बहुत अटैच होते हैं, संतान इतना दुख देती है, ओए ओए ओए. और आज का संतान जो कलयुग की संतान है ना, ओए ओए, सारे कर्मों के फल तो सनातन जो संतान है ना वही निपटा देती है इनकी. कहता है जी बच्चे ने जो दुख दिए हैं बचपन से लेकर स्कूल कॉलेज शादी उसका तलाक फिर दोबारा शादी से फिर तलाक, दुख 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 दुख. अरे भाई साहब. और फिर उनके फिर उनके बच्चे हो गए, फिर पोते हो गए, कुची कुची कू, पहले बच्चों कुची कुची कू, फिर पोतों को कुची कुची कू, फिर पड़ पोतों को कुची कुची कू, एक दिन खुद कुची कुची कू. इसी में लग लेते हैं. हमने देखा कई लोग ना भाई इतना कुची कुची कू नहीं करना, बच्चों का लेना कुची कुची कू, अब वो अपने बच्चों करेंगे. तो हमने देखा है कई बार लोग दादाजी बन जाते हैं, फिर वो उनको कुची कुची कू, फिर बच्चों उसी में रमे हुए हैं. अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा लड्डू, अरे मेरा बर्फी, अरे मेरा कलाकंद, अले 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 अले. बहू जी निपट गए, इसी में निपट गए वो. और देखा है जितना व्यक्ति इतना अटैच होता है घर वालों के साथ, यही घर वाले इंश्योर करते हैं कि आप अंत समय भगवान का स्मरण ना कर सके. मुझको याद है हमारे एक रिलेटिव वो शरीर छोड़ रहे थे, तो मैंने हरे कृष्णा करा था. मैंने कहा हरे कृष्णा, वो बाकी रिश्तेदार मेरे पे टूट पड़े, कहते क्यों तुम गाना गा रहे हो, वो मर रहे हैं और तुम गाना गा रहे हो. कहा गाना नहीं है कीर्तन है. शट अप शट अप. बाबूजी मर रहे और सब ने नेगेटिव चेहरे बना के रहे बाबूजी. इनकी सड़ी शक्लें देख कर बाबूजी मरे. मतलब बाबूजी सोचे भी कि मैं भगवान का स्मरण कर लूंगा. नहीं बाबूजी नहीं, आपको भगवान का स्मरण नहीं करना, हम आपको ये सड़ी शक्लें देख के ही मरना है आपको बाबूजी. ऐसे मरता इंसान. ओए होए 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 होए. इसीलिए घर परिवार में जो आपके भक्त हैं, भक्त हैं तो ऑफकोर्स भी दैट्स वेरी गुड. लेकिन अगर जो भक्त नहीं है ना उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना गई ना. रस डूड वो खाना, पार्ले जी के बिस्किट, मारी गोल्ड, ये वो तैयार होना, टाई लगाना, ऑफिस जाना, काम करना, बच्चों के साथ ये पैसा या गाड़ी ये, रात सो जाना, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखना, और दैट्स इट. दिस इज लाइफ मैन, दिस इज नॉर्मल है कि नहीं. और जो भक्त कमजोर है तो सही है यार, बात तो सही है. ये हरे कृष्ण वाले उपड़ा वाते बढ़ाते रहते हैं हम लोगों को, ये नॉर्मल है. इसके लिए एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को. देखिए भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये प्रकृति क्या है जी, ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिक है जी, इसका मतलब क्या है? क्या देखो जी, ऑटोमेटिक के लिए आपको बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. जैसे घास जो होती है, घास को जब गाय को खिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो क्या है वो दूध में बदल जाती है. उसमें ग्वाले को कुछ नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक है. घास का दूध में बदलना ऑटोमेटिक है. उस तरह से सूरज का उगना, सूरज का ढलना, पानी का बादल बनना, बारिश होना, फिर वापस होना, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, ये ऑटोमेटिक है. गाय को आप घास खिलाओ, दूध बनना ऑटोमेटिक है. इस तरह से प्रकृति ऑटोमेटिक है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिकली सर दूध बन गया सर. अच्छा सर बैल को खिला दें तो सर बन जाएगा ना सर? कितने बैल को कैसे, बैल से दूध थोड़ी ना आएगा. कहते लेकिन सर ये तो ऑटोमेटिक है. कहते ऑटोमेटिक है भाई, लेकिन गाय बनी इस तरह से है कि जब उसको घास खिलाते हैं ना तो उससे फिर दूध बन जाता है वो. तो सर अच्छा गाय को किसने मतलब बनी ऐसी हुई है वो? हाँ बनी ऐसी हो. कहते तो किसने बनाया? तुम्हारे पिताजी ने बनाया उसको ऐसा.
मैंने जपा किया है, मैं 16 माला जप किए मैंने 16 माला जप। भाई विष्णु दूतों इनको जरा वीडियो दिखाओ इनके जपा की जरा कैसे कैसे तुमने जपा किया है। अरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम तो कभी खुन्नस वाला जपा किया, अरे कृष्ण 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 और राम राम कीड़े पड़े तेरे को, राम राम हरे हरे दिखाओ इसके वीडियो दिखाओ इसने जपा किए हैं इसने, दोस्त के गले में हाथ डालेगी हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये धोती कहाँ से ली तूने, लोही बाजार, राम राम हरे हरे, यार अगली बार अपन मिलेंगे बहुत बढ़िया, ये तो आपकी 16 माला हुई है, काउंटिंग कहता है काउंटिंग का पता नहीं, 2 घंटे हो गए मतलब 16 हो ही गई होंगी यार। मोटिवेशनल स्पीकर सबसे बड़े धोखेबाज है दुनिया के अंदर, सबसे बड़े धोखेबाज है, इतने नकली सॉल्यूशन, पर क्योंकि कलयुग की ऑडियंस भी टल्लू दीन है लल्लू दीन है इसलिए ओ यार क्या एग्जांपल दिया है भाई गधा, अब मैं तेरे गधा बना रहा हूं। कर लो कर दिखाओगे, आग लगा दो फाड़ दो फोड़ दो धूम फाड़ कहां सर। तो इसीलिए दिस इज ब्लाइंड मोटिवेशन, तब तक रुको नहीं जब तक सफलता को प्राप्त ना कर लो।